नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मां बनना चाहती है प्रियंका चोपड़ा, निक के लिए घर खरीदने की है प्रियंका की ख्वाहिश। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पावरफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। प्रियंका चोपड़ा अपनी जिंदगी को खुले दिल से जीने में यकीन रखती हैं। प्रियंका की केमिस्ट्री उनके पति निक जोनस के साथ देखते ही बनती है। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। निक जोनस से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा की विश लिस्ट में दो नई चीजें जुड़ गई हैं। अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि वो जल्द ही मां बनना चाहती हैं। इसके अलावा प्रियंका ने ये भी बताया कि वो लॉस एंजलिस में अपने और निक के लिए घर खरीदना चाहती हैं। वोग इंडिया के सितंबर 2019 में जारी होने वाले एडिशन के लिए हुए एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने कहा, मैं वहाँ खुश रहती हूँ जहाँ मेरे आसपास वो लोग मौजूद होते हैं जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और मेरे लिए वही मेरा घर होता है। अपने लिए घर खरीदना और अपना बेबी होना इस वक्त मेरी टॉप लिस्ट में प्रायोरिटी है। बता दें कि प्रियंका अपने इस इंटरव्यू में यही नहीं रुकी। प्रियंका ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की अपनी जर्नी के बारे में भी कई बातें शेयर की। इसके अलावा प्रियंका ने अब्रॉड में सेटल होने और अपनी अपकमिंग फिल्म द स्काई इज पिंक के बारे में भी कई बातों का खुलासा किया है। प्रियंका ने ये भी बताया कि वो कभी भी अपने पति निक जोनस के साथ गाने की कोशिश नहीं करती हैं। अपने पति निक की सिंगिंग के बारे में बात करते हुए प्रियंका कहती हैं, हम घर में दोनों साथ मिलकर गाते हैं। जब तक मैं कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ तो तब तक निक पियानो बजाते हुए मेरा इंतजार करते हैं। वो बहुत बेहतरीन सिंगर है, इसलिए उनके साथ गाने की मैं ज्यादा कोशिश नहीं करती। इंडिया और अब्रॉड में घर खरीदने की बात पर प्रियंका ने कहा कि अगर उन्हें घर खरीदने में इन्वेस्ट करना होगा तो वो लॉस एंजलिस में निक और अपने लिए घर खरीदेंगी। देखा जाए तो प्रियंका ने पिछले दिनों भी जल्द मां बनने की ख्वाहिश को जाहिर किया था और एक बार फिर से प्रियंका ने अपनी इस इच्छा को जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया है कि क्या पता जल्द ही आने वाले दिनों में प्रियंका कोई खुशखबरी सुना दे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।